पूर्ववर्ती सीएम का नाम अगर उसने आ जाए तो अच्छी पक्का मार दिया, तो ये ऐसे ही छक्के हैं। मेरे पास भी खेल का सर्टिफिकेट है, हालांकि मंजिल तक पहुंचने के लिए खेल के साथ साथ दांव पेच भी आने चाहिए। एक तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता के शिल्पी, जब हम उन्हें सम्मान देने का काम कर रहे थे, समाजवादी पार्टी उस दिन जिन्ना की आरती उतार रहा था। ये तो इनकी स्थिति है। इनको राष्ट्र को जोड़ने वाला और राष्ट्र को तोड़ने वाला किसमें भी अंतर महसूस नहीं। इसलिए मैंने कहा कि शक्ति देना आसान है लेकिन बुद्धि देना कठिन है, बहुत कठिन है, हर व्यक्ति इसको नहीं कर सकता है। और महोदय, यहां पे इसके अलावा यहां पर एक नई चर्चा, परसों कह रहे थे नेता विरोधी दल, उस दिन कह रहे थे खेल के बारे में कह रहे थे कि आप अकेले अकेले क्यों कर रहे थे। भाई मैं तो अकेले ही हूं और अकेले ही आया हूं और अकेले ही जाना है, मैं तो अकेले ही जाना महोदय। हाँ मॉल में भी जाते, नहीं नहीं बॉल बॉल नहीं, मैं यही कह रहा हूं। लेकिन ये कैसे खेलते थे इसका एक, मैं एक समाचार पत्रों को देख रहा था, मैंने कहा नेता विरोधी दल बहुत बड़े खिलाड़ी होंगे तो हो सकता हम इनका नाम किसी पुरस्कार के लिए भेज दें। भाई यूपी के किसी खिलाड़ी को मिले तो हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी बात होनी चाहिए। हमने अभी तमाम खिलाड़ियों को नौकरी के दिए, अभी याद करिए, हमने एक अभी नायब तहसीलदार बनाया यादव लड़का, अच्छा खिलाड़ी है यूपी का, हमने भेदभाव नहीं किया, वो योग्य था। हमने ललित उपाध्याय को दिया, ओलंपिक में मेडल जीते थे, हमने डिप्टी एसपी बनाया है, सैकड़ों नौजवानों को जो खेल में, हमने उनके लिए नौकरी के द्वार खोले हैं। तो मैंने कहा हो सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो चाहिए जाता था, जो आज हमारी सरकार ने, डबल इंजन सरकार ने, जिसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के रूप में घोषित किया है, तो यूपी के भी किसी व्यक्ति का नाम डालें। और मैं तो ये मानूंगा कि भाई मेरे पूर्ववर्ती सीएम का नाम अगर उसमें आ जाए तो अच्छी बात होगी। तो मैंने कहा यार देखो अच्छे खिलाड़ी हैं लगता है, तो देखिए क्या आया था दृश्य। ठीक है, 12वें ओवर में सीएम का शॉट सीधे कप्तान आलोक रंजन के हाथ में चिपक गया। ये क्रिकेट खेलना है, पहली बॉल में कैच आउट हो रहे हैं, लेकिन वहां से कह दिया जाता है कि ये तो नो बॉल है, और अगर वह ये छक्का मारते ना तो कहते रे छक्का मार दिया, तो ये ऐसे ही छक्के हैं, बॉल को छक्के से हम जोड़ देंगे। और तब महोदय तब देखें शिवपाल जी ने तब फिर टिप्पणी की थी, शिवपाल जी उस समय कैबिनेट मंत्री थे। देखिए कुछ चीजें तो बहुत होती हैं, भाई बिन होई न प्रीति, भगवान राम ने बात कही थी, मैं उस पर भी अभी चर्चा करूंगा। उन्होंने, मैं आपको पूरी चौपाई सुना देता हूं, उन्होंने कहा था विनय न मानत जलधि जड़, गए तीन दिन बोले राम सकोप तब। इधर के ही भय से सही, लेकिन कम से कम काका श्री को सम्मान मिलना प्रारंभ हो गया। उन्होंने उस समय बहुत अच्छी टिप्पणी की थी, उन्होंने एक बात की थी, देखिए ये तो देखिए ये नव भारत टाइम्स की वो है उस समय की, हाँ ये है 16 फरवरी 2014, और उस समय उन्होंने कहा था हमेशा अच्छी नीयत से खेलना चाहिए,
मेरे पास भी खेल का सर्टिफिकेट है और मैं आज भी खेल रहा हूं। हालांकि मंजिल तक पहुंचने के लिए खेल के साथ साथ दांव पेच भी आने चाहिए। और इनके एक और चाचा जान थे, उनका बयान भी आया, सीएम साहब अच्छी बात है आपको खेलने का वक्त मिल जाता है। आप समझ सकते हैं, खुदा न खास्ता आप हार जाते तो मैं यही कहता कि अधिकारियों का ध्यान खेल पर ज्यादा है, काम पर कम। अधिकारी हार गए तो माना जा सकता कि थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। आप जान ही रहे हैं कौन। महोदय ये इनका खेल होता था और ये खेल तो और भी जगह इनके होते थे, बहुत खेल होते थे प्रदेश में, खेल ही खेल तो होते थे, खेल तो प्रदेश की जनता ने बहुत देखे हैं। महोदय इतने खेल, लैपटॉप घोटाले का खेल, खाद्यान्न घोटाला का खेल, गोमती रिवर फ्रंट घोटाले का खेल, केक की रिपोर्ट अभी आई है एक, महोदय एक कार्यकाल का 97,000 करोड़ रुपए के घोटाले का उल्लेख उन्होंने किया है, 97,000। भर्ती घोटाला का खेल भी प्रदेश के अंदर हुआ है और चयन आयोगों पर हाईकोर्ट की टिप्पणी, भर्तियों में जमकर भ्रष्टाचार और प्रतिभा के साथ छल, ये भी खेल होता था। और मुजफ्फरनगर के दंगे, मथुरा में राम वृक्ष कांड का खेल, और महोदय खन्ना जी के जनपद में एक पत्रकार जोगेंद्र सिंह को जिंदा जला दिया गया था, ये भी तो खेल हो रहा था। नेता विरोधी, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है नेता सदन को, बजट के ऊपर इसमें चर्चा होती है, ये कुछ और छक्का समझ गए अध्यक्ष महोदय, वही वाला समझा जो आप कह रहे अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय क्रिकेट के सिक्सर को, क्रिकेट के छक्के को ये छक्का समझ गए और फिर बोले कि मैं तो वो हूँ जो अकेला आया हूँ, अकेला ही चला जाता हूँ। मैंने तो कभी नहीं पढ़ा कि छक्कों की भी शादियां हुआ करती हैं। अब मैं और दूसरा ईज ऑफ लिविंग, अब मैं शेर राज्यपाल नहीं, आप बैठिए, आप बैठिए विवेकानंद जी, आप बैठिए। और अगर अगर ईज ऑफ लिविंग, मैं प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूँ, दूध की कीमत क्या है आज, सिलेंडर की कीमत क्या है, वो बजट पर पूछ लीजिएगा, साइन की कीमत क्या है। मैं श्री राजपाल द्वारा भाषण के लिए प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव में माननीय